देश भर में नागपंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर नाग देवता का पूजन कर रहे हैं। इंदौर के प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। आज के दिन मंदिर और नाग देवता का सुंदर आकर्षक श्रृंगार किया गया। यहाँ श्रद्धालु ने नाग देवता का विशेष पूजन करते हुए उनका जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि नागपंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करने से और दूध से अभिषेक करने से जहां सभी मनोकामना पूरी होती है, वहीं काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। मंदिर के पुजारी की माने तो 22 सालों के बाद ऐसा योग बना है जब सावन के महीने में अधिक मास आया है, इसे आज के दिन का महत्व और भी अधिक बढ़। नागपंचमी है, आपके हाथ में पूजा की थाल है, क्या कहेंगे त्यौहार को लेकर? ये बहुत बड़ा पावन वाला त्यौहार है और ये बहुत सालों बाद एक ही दिन आता है जो नागपंचमी के त्यौहार की पूजा की जाती है। इसके लिए लोग बड़ी दूर दूर से इस मंदिर को ढूंढते हुए आते हैं इस मंदिर के, और इस मंदिर की पूजा पाठ करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं बाबा से। घरों के दरवाजों पर नागपंचमी पर नाग की प्रतिकृति भी बनाई जाती है और पूजा की जाती है। हाँ। क्या कहेंगे, किस तरह से पूजा होती है? उनकी पूजा विधि तो कुछ अलग ही है, मुझे इतना नहीं पता है, पर इस पावन त्यौहार के बारे में इतना मुझे पता है। मेरा नाम सलोनी राठौड़। नागपंचमी का पर्व है, काफी हर्षोल्लास दिख रहा है, जयकार लग रही है, क्या है? आज सर श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी जो रहती है उसको नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे नागेश्वर मंदिर, ये प्राचीन समय से इस मंदिर की स्थापना है। यहाँ पर सुबह से प्रातःकाल से भक्तों का जनसमूह आ रहा है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है यहाँ पर, और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। साल भर में एक ही दिन रहता है जब अगर दूध से नाग देवता का अभिषेक किया जाता है तो उस दिन मन की इच्छा तो पूर्ण होती है, काल सर्व दोष में विशेष तौर पर शांति मिलती है, पितृ दोष में शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि, ईश्वर की वृद्धि होती है। जिन माता बहनों को संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, वे अगर नाग देवता को दूध चढ़ाते हैं और चरणामृत के रूप में उसे पान करते हैं तो उन्हें संतान अवश्य प्राप्त होती है। जिन पुत्र पुत्रियों के विवाह में विलम्ब हो रहा हो उनको यहाँ से निःशुल्क विवाह योग सिद्धि दी जाती है, जिससे उनका शीघ्र अतिशीघ्र कार्य पूर्ण होता है। कितने भक्त इस मंदिर पर अभी सुबह से अभी तक कम से कम 30,000 से 40,000 भक्तों का दर्शन हो चुका है। क्या कहेंगे, सावन माह, दो माह का अधिक मास चल रहा है सावन माह, तो नागपंचमी की क्या विशेषता है? नागपंचमी की विशेषता है सर, 22 वर्षों बाद ये जो अधिक मास आया सावन के महीने में, और वापस 22 वर्षों बाद ही आना है, तो इस बार भक्तों का जनसमूह जो आया है यहाँ दर्शन करने, उसमें वृद्धि हुई है। आपका परिचय? पंडित श्याम शर्मा, नागेश्वर मंदिर, इंदौर। इस दौरान मंदिर प्रबंधन के द्वारा भक्तों को विशेष प्रसादी का वितरण किया गया था। इसके अलावा शहर में सभी नाग देवता के मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिली।